Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends. Welcome to my YouTube channel. You are learning English with B.M. Sharma. Guys, we are reading class 12, uh, compulsory English book, Rainbows, Lesson 9, A Walk Through the Fire, Ag Parchalna. एंड वी आर मेकिंग part थ्री of the lesson. Now we are starting other feats followed. इधर से शुरू कर रहे हैं हम अब तक कहानी में हमने देखा 1947 में अंग्रेजों का एक दल है जिसके मनोरंजन के लिए प्रोफेसर साहब भारतीय प्रोफेसर हैं एक उनका उनके कुछ स्टूडेंट्स का दल यहाँ पर आया हुआ है कुछ कर्तव्य दिखाने के लिए तो उधर से शुरू करते हैं हम अन्य कर्तव्य भी उसके बाद में हुए थे बट द प्रोफेसर क्लोजिंग एक्ट लेकिन प्रोफेसर साहब का जो अंतिम एक्ट था अंतिम जो कर्तव्य था वॉज अनफर्गेटेबल वह अविस्मरणीय था जिसे भूला नहीं जा सकता इतना विलक्षण था एंड बिफोर ही परफॉर्म डिट और जब उन्होंने ये कर्तव्य दिखाया उससे पहले ही वेलफेयर ऑफिसर हमारे जो कल्याण अधिकारी थे अनाउंसड उन्होंने घोषणा की दैट ऑन हिज इंसिस्टेंस की उनके आग्रह पर द प्रोफेसर हैड साइंड डॉक्यूमेंट प्रोफेसर ने एक कागजात पर हस्ताक्षर किए थे टू द इफेक्ट यानी तुरंत कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए थे दैट इफ एनीथिंग हैपन टू हिम कि यदि उनको कुछ हो जाता है कर्तव्य दिखाते समय प्रोफेसर साहब को द ब्रिटिश आर्मी कोड इन नो वे बी है किसी भी तरीके से इन नो वे का मतलब किसी भी तरीके से ब्रिटिश आर्मी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाएगा ब्रिटिश आर्मी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा अगर प्रोफेसर साहब को कुछ हो जाता है उनकी जान के लिए कोई खतरा पैदा हो जाता है तो, तो कर्तव्य से पहले ऐसा हुआ था इट वॉज ओनली ऑन दीज टर्म्स केवल इन्हीं शर्तों पर ऐसा हो पाया था एक्ट इन्हीं शर्तों के, के आधार पर प्रोफेसर साहब को अपना एक्ट या अपना कर्तव्य करने के लिए मंजूरी मिली थी अपना कर्तव्य दिखाने के लिए स्वीकृति मिली थी फाइव टन आर्मी ट्रक एक पांच टन बजनी आर्मी का ट्रक वॉज दे टू द सेंटर ऑफ द सर्किल उस घेरे के केंद्र में चला करके लाया गया था उस ट्रक को जिसका वजन पांच टन था ऑडियंस श्रोताओं के द्वारा एक जो सर्किल घेरा बनाया गया था उसके बीच में ट्रक को लाया गया विच वॉज द ओनली स्टेज द प्रोफेसर यूज ये एकमात्र स्टेज थी जो प्रोफेसर ने इस्तेमाल की थी एकमात्र मंच था जो प्रोफेसर ने इस्तेमाल किया था ले डाउन अंडर द ट्रक वह ट्रक के नीचे लेट गए प्रोफेसर साहब ट्रक बीच में खड़ा किया था जो भी दर्शक थे उनका घेरा बना हुआ है बीच में ट्रक खड़ा किया ट्रक के नीचे प्रोफेसर साहब लेट गए थे सो दैट ताकि हिज चेस्ट वॉज इन लाइन ताकि उनका सीना जो है वो एक सीधी पंक्ति में आ जाए रियर व्हील्स पीछे वाले एक पहिए के सीध में आ जाए ताकि प्रोफेसर साहब का सीना पीछे वाले पहिए के आगे आ जाए यही ट्रक को ऊपर चढ़ाएं, तो पहिया उनके सीने पर चढ़ करके निकल जाए पीछे वाला पहिया एन ओल्ड रेलवे स्लीपर वॉज प्लेस्ड अलोंग साइड हि चेस्ट और उनके सीने के इधर उधर पुराना रेलवे का एक स्लीपर जो था सैन सीट थी उस सीट को लगा दिया गया था उनके सीने के बगल में टू फॉर्म अ क्रूड रैंप एक आ, थोड़ा सा समतल रैंप तैयार करने के लिए रैम्प का मतलब है एक आ, उतरने का स्थान या चढ़ने के लिए रड़काई जिसको कहते हैं स्लॉप जिसको कहते हैं वो तैयार करने के लिए रैम्पअप विद्रक ट्रक के साथ चढ़ने के लिए एक स्लॉप बन जाए रैम्प बन जाए इसलिए सीट को लगाया गया था ट्रकड बीबन uh, uh, जिस पर ट्रक को चलाया जाना था ट्रक वॉज ड्रिबन क्विकली ट्रक को तब जल्दी चलाया गया सो द रे व्हील वेंटअप द रेलवे स्लीपर ता, ता उनका पीछे का जो पहे स्लीपर पर चढ़ जाए तुरंत झटका देकर के जल्दी से आगे बढ़ाया गया एंड एक्रॉस द प्रोफेसर चेस्ट प्रोफेसर के सीने के ऊपर से उसको निकाला जा सके इसलिए ट्रक को जल्दी चलाया गया एज सिंपल एंड क्रूड एज दैट ये उतना ही सरल और उतना ही थोड़ा सा कठोरता भरा हुआ था द बैक ऑफ द ट्रक और ट्रक का पीछे का हिस्सा इंसिडेंटली और ये बस थोड़ा सा आकस्मिक रूप से कंटेंट एज मैनी मैन एज कुड इसके अंदर भरे गए थे उतने आदमी जितने हो सकते थे पॉसिबली क्राउड इन टू एट जितने ज्यादा हो सकते थे उतने आदमियों को जितने आदमी संभव थे उतने आदमी को ट्रक के ऊपर चढ़ा दिया गया यानी ट्रक के पीछे वाले हिस्से में आदमियों को चढ़ा दिया गया था देअर वॉज अनोदर इंडियन विदेसर प्रोफेसर के साथ में एक और भारतीय थे एंड एज ट्रुप प्रोफेसर और उनके दल ट्रुप कहते हैं दल कर्तव्य दिखाने वालों का उनके साथ एक और आदमी थे हु टुक नो पार्ट इन द स्ट्रॉन्ग मैन एक्ट जिसने इस स्ट्रॉन्ग मैन एक्ट यानी दमदार आदमी के कर्तव्य में कोई हिस्सा नहीं लिया था बट स्पेंड द एंटायर टाइम डिगिंग अ शेलो ट्रेंच और अपना एंटायर टाइम पूरा के पूरा समय व्यतीत किया था उसने डिगिंग खोदने में अ शेलो एक खोखली ट्रेंच खाई एक खोखली खाई खोदने में यानी एक लंबी खाई लंबा गड्ढा खोदने में उसने अपना पूरा टाइम व्यतीत किया तो उसने नहीं देखा क्या कर रहे हैं प्रोफेसर साहब वो बस लगातार मतलब एक आदमी की लंबाई से काफी ज्यादा लंबाई थी उसकी एक आदमी छह फीट के आसपास हो सकता है और दो से तीन फीट चौड़ाई थी यानी जितने लंबे अपने पैर होते हैं लगभग उतने ही लंबी चौड़ाई की खाई थी बाय द टाइम द प्रोफेसर हैड फिनिश हिज एक्ट और उस समय तक जब प्रोफेसर ने अपना कर्तव्य पूरा किया तब तक दिस ट्रेंच हैड बीन फिल्ड विद रेड हॉट कोल्स फ्रॉम द कुक हाउस हमारे कुक हाउस में से यानी हमारे रसोई में से लाए गए कोयलों से इसको भर दिया गया इस खाई को जो व्यक्ति ने खोदी थी एक खाई खोदी थी दस फीट लंबी खाई है तीन फीट चौड़ी उसमें कोयले भर दिए गए कैसे कोयले थे रेड हॉट कोल्स जो लाल और गर्म कोयलों से भर दिया गया आग जलते हुए कोयले बिजनेस अबाउट दिस फायर ट्रेंच फायर ट्रेंच यानी आग से भरी हुई जो खाई थी इसके बारे में कोई मजाक नहीं होना था अभी मजाक का विषय नहीं था बिल्कुल आग से भर दिया गया था खाई को आयदर uh, इसमें मजाक भी नहीं था आयदर मीन भी वी अराउंड इट हम इसके आसपास इकट्ठे हो गए थे एंड हीट फ्रॉम इट वॉज इंटेंस इसमें से जो हीट या गर्मी पैदा हो रही थी वो बहुत ही इंटेंस थी बहुत ही तीव्र थी गर्मी दिस इंडियन यह भारतीय एन एल्डरली जेंटलमैन अपेक्षता थोड़ा अधिक उम्र के एक एक सज्जन आदमी थे ये तब ये एट वन वन तब एंड छोर पर खड़े हो गए थे उस आग के उस खाई के जो दस फीट लंबी खाई है उसके एक किनारे पर खड़े हो गए थे ऑफ द ट्रेंच इस खाई के किनारे पर स्प्लेड वाटर उन्होंने पानी छिड़क दिया था फ्रॉम अर बाय बकेट पास में रखी एक बाल्टी में से ओवर हिज बीयर फुट अपने नंगे पैरों के ऊपर बाल्टी में से पानी छिड़का इसने और उसके बाद देखिए क्या होता है एंड देन टू वॉक ओवर द रेड हॉट कोल्स तब इसने अपना जो कार्य था वो प्रारंभ किया और कार्य था रेड हॉट कोल्स लाल लाल जो गर्म कोयले हैं उनके ऊपर प्रोसीड कर वॉक करना चालू कर दिया उन गर्म गर्म कोयलों के ऊपर यानी आग के ऊपर चलना प्रारंभ किया इस आदमी ने अलोंग द होल द ट्रेंच खाई की पूरी लंबाई तक तो चल करके गया वो आदमी यहां से शुरू किया एक फीट दो फीट तीन फीट लेकर के और दस फीट तक लगातार चल करके गया था इट वॉज एन इनक्रेडिबल स्पेक्टिकल यह एक अतुलनीय दृश्य था यह एक दुर्लभ दृश्य था वहां पर यह एक बहुत ही अचंबित कर देने वाला दृश्य था वी कु जिसे हम देख पाए थे द लो फ्लेम्स फ्रॉम द रेड हॉट कोल्स उस लाल गर्म कोयले में से लो फ्लेम्स धीमी धीमी लपटे फ्लेम्स कहते लपटों को आग की लपटे जो थी लिकिंग अराउंडीट उसके नग्न पैरों को लिकिंग कर रही थी चाट रही थी यानी उसे चिपक करके चिपक रही थी लपटे. एज ही स्लोली वॉक्ड टू द एंड ऑफ द ट्रेंच जैसे जैसे वह धीरे धीरे उस खाई में चलकर जा रहा था वैसे वैसे आग की लपटे उसके पैरों से लग रही थी उस आदमी जल्दबाजी नहीं करी कि दौड़ करके तुरंत निकल गया हो ऐसा नहीं है बिल्कुल आराम आराम से धीरे धीरे चल करके आग पर गया है लपटे चिपक रही थी उसके पैरों से। देन ही रीच डेट तब वह आगे पहुंच गया था एज इफ मानो की नॉट सेटिस्फाइड मानो कि वो दस फीट पार करने के बाद संतुष्ट ही नहीं हुआ हो ही राउंड वह मुड़ा एंड वॉकड बैक द सेम वे और उसी रास्ते से वापस चल करके आया द स्पीड धीरे धीरे चल के गया और बिल्कुल धीरे धीरे चल करके वापस आया उस आग पर उन कोयलों पर जो जल रहे थे डाउन तब वह स्क्वेट कर गया यानी पालती लगाकर बैठ गया था ऑन द ग्राउंड जमीन पर पालती लगाकर बैठ गया था जेस्चर टू हिज फीट वह अपने पैरों को दिखा रहा था एंड इनवाइटेड और हम सबको उसने आमंत्रित किया टू इंस्पेक्ट उनका निरीक्षण करने के लिए यानी अपने पैरों को आगे कर दिया था इसने और हम सबको बुलाया और मेरे पैरों को देख लो जरा कि कितने जले हैं आग पर चलने से वी डिड हमने ऐसा ही किया यानी हम उसके पास पहुंच गए एंड देयर और वहां पर वाज नॉट सो मच एज ए ब्लिस्टर वहां बिल्कुल भी ब्लिस्टर नहीं था छाला नहीं था एनी वे टू बी सीन उसके पैरों में हमें कहीं भी कोई भी छाला ब्लिस्टर छाले पड़ जाते हैं ना नंगे पैर ज्यादा चलते हैं तो उससे पैरों में छाले पड़ जाते हैं नीचे तो एक भी छाला दिखाई नहीं दिया कहीं भी आई हैड पुस्ड फॉरवर्ड थ्रू द क्राउड मैंने भीड़ में से थोड़ा धक्का देते हुए आगे निकल के गया मैं टू गेट अ क्लोजर लुक पास से देखने के लिए उसको एट दिस अमेजिंग कैरेक्टर्स फीट इस आश्चर्यजनक चरित्र जो था व्यक्ति जो था उसके पैरों को नजदीक से देखने के क्लोजर लुक लेने के लिए मैं भीड़ को हटा करके आगे गया एंड एज आई नेल डाउन बिसाइड हिम जैसे मैं उसके पास नेल डाउन यानी घुटनों के बल झुका आई फेल्ट समथिंग मैंने कुछ महसूस किया थ्रस्ट इन टू माई हैंड मेरे हाथों में घुसाया जाना यानी कोई चीज मेरे हाथों में ठूसी गई मेरे हाथों में घुसाई गई मेरे हाथों में दे दी गई थी कोई चीज इट वॉज अः एक रूमाल था एंड इट वॉज दे और यह तब की बात है देट आई रेकग्नाइज हिम कि मैंने उसे पहचान लिया यानी जब मेरे हाथ में रूमाल दिया गया तब मैंने उस आदमी को पहचान लिया कि ये आदमी वास्तव में कौन सा आदमी है मैंने अपना रूमाल किसके लिए दिया था किसके बांधा था तो वो रूमाल से ध्यान आ गया कि भाई ये आदमी तो वो आदमी है ही हैड लुक डेट मी वंस उसने मुझे एक बार देखा ब्रीफली संक्षिप्त समय के लिए थोड़ी देर के लिए देखा उसने मुझे एक बार एज पास देंकर चीफ टू मी जब उसने मुझे रूमाल दिया था तब बट वेन आई वेंट टू स्पीक टू हिम और जब मैं उसे बात करने के लिए गया ही लुकड अवे अगेन वह वापस फिर से इधर उधर देखने लगा सो आई कैप्ट माई माउथ सट इसलिए मैंने अपना मुंह बंद रखा अपने माउथ को सट रखा कहने का मतलब उस आदमी ने बस थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ तब देखा था जब उसने रूमाल मेरे हाथ में थमाया था लेकिन जब मैं उसके पास बात करने के लिए गया तो फिर वह इधर उधर देखने लगा इसलिए मैंने अपना मुंह बंद रखना ही उचित समझा इफ यूड टू प्रजेंटर टू प्रेजेंट सॉरी इफ यू वॉन्टेड टू प्रीटेंड प्रीटेंड होता है बहाना बनाना जो नहीं है उसको होने का नाटक करना यदि वह नाटक करना चाहता यदि वह बहाने बनाना चाहता

कि एक दिन इस व्यक्ति ने बहुत शानदार इंग्लिश बोली थी यानी हमारे कमेंट को सुनकर के वो व्यक्ति बहुत ही अम्यूज हो गया था निश्चित रूप से बहुत ही आनंदित हो गया था बहुत ही खुश हो गया था द प्रोफेसर साहब जो थे, द फाइव टन ट्रक वो अब तक पांच टन वजन वाले ट्रक का सामना करके ठीक हो गए थे रिकवर हो गए थे एंड ही केम ओवर टू से प्रोफेसर साहब वहां यह कहने के लिए आए थे इन होल्टिंग इंग्लिश लड़खड़ाती हुई अंग्रेजी बोलते हुए या थोड़ा रुक रुक कर अंग्रेजी बोलते हुए दैट द फायर वॉकर वो टेक अ वॉलेंटियर विद हिम कि आग पर चलने वाला फायर वॉकर जो है वो एक स्वयं सेवक को लेगा अपने साथ में अक्रॉस द फायर फ्रेंड्स। आग की जो खाई है आग भरी हुई खाई इस पर चलने के लिए अब इस बार ये जो फायर वॉकर है अग्नि पर चलने वाला है आग पर चलने वाला है ये व्यक्ति अपने साथ किसी भी एक स्वयंसेवक को जो अपनी मर्जी से आना चाहता हो उसके अपने साथ लेकर आग पर चलेगा दिस है ऑफ कोर्स निश्चित रूप से प्रोड्यूस बस इसकी वजह से एक बहुत ज्यादा हंसी आ गई एंड आई डिट ज्वाइन इन बस मैं उसमें शामिल नहीं हुआ आई न्यू देन तब मैं जानता था दैट आई वॉज गोइंग अक्रॉस द फायर फ्रेंच कि मैं उस आग की खाई के पार जा रहा था ऐसा मैं जानता था ऑल दो यद्यपि वेरी थॉड मी गो बर्फ जैसा ठंडा कर दिया था मैं यह जानता था कि मैं आग पर जाने वाला हूँ इस विचार मात्र ने मान लो मैं ये सोच रहा अगर मैं इस व्यक्ति के साथ आग पर चल लूं तो इस विचार मात्र ने मुझे डर के मारे ठंडा कर दिया था इतना भय व्याप्त हो गया था कि आग पर चलना इसके साथ हो या अकेले हो आग पर चलना तो बहुत दुर्लभ काम है आई वॉक डोवर टू द फायर वॉकर मैं चल करके आग पर चलने वाले के पास गया था यानी मैं आग पर चलने वाला जो व्यक्ति था उसके पास पहुंचा एंड स्टोड इन फ्रंट ऑफ हिम और उसके सामने खड़ा हो गया ही प्लेस इज हैंड्स अपॉन माय शोल्जर्स उसने अपने हाथों को मेरे कंधों पर रख दिया एंड सेड और कहा वेरी क्वाइटली बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से कहा उसने सो दैट नन बट माई सेल्फ कोड हियर इतना चुपचाप धीरे से कहा था कि मेरे अलावा कोई भी और नहीं सुन पाए वेन यू पोर्टा साइड योर बूट्स जब आप अपने जूतों को उतार के बगल में रखोगे साहेब पोर्टा साइड योर फीयर अपने डर को भी निकालकर साइड में रख देना तो उसने मेरे कान में या मेरे पास में आकर धीमे से कहा कि जब आप अपने जूतों को बगल में उतार के रखो ना तब अपने डर को भी बगल में उतार कर रख देना द फायर विल नॉट हार्म यू आग तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगी आई सेट डाउन ऑन द ग्राउंड मैं जमीन पर बैठ गया एंड टुक ऑफ माई गेटर्स बूट्स शॉक्स मैंने अपने गेटर्स को जो पैर में नीचे पहने जाते हैं उनको उतारा बूट्स अपने जो जूते थे उनको उतारा जुर्राबों को उतारा वहां से गेटर्स होते हैं जूते पहनकर उसके ऊपर कुछ लपेटा जाता है टकने के पास में स्ट्रेंजली इनफ काफी अजीब तरीके से हैविंग डन दिस इसको कर लिया था आई नो लॉन्गर अल्ड अफ्रेड मुझे बिल्कुल भी डर नहीं था ओनली इंटेंसली क्यूरियस मैं बहुत ज्यादा उत्सुक था इसके बारे में यानी अति उत्सुकता मुझे हो रही थी आई वॉक ड्रॉस टू बिगनिंग ऑफ द ट्रेंच आई वॉक्रॉस टू बिगनिंग ऑफ द ट्रेंच मैं इस खाई के प्रारंभ में चलने लगा था इन द फायर वॉक स्प्ले वाटर ओवर माई फीट सॉरी मैं खाई के पास चल करके पहुंचा था खाई की शुरुआत जहां से होती वहां पर मैं पहुंचा था यानी आग वाली जो ट्रेंच थी उसके पास में चलकर पहुंचा तो वाटर वॉकर ने सॉरी फायर वॉकर ने अग्नि पर चलने वाले व्यक्ति ने मेरे पैरों के ऊपर पानी डाला स्प्लेस किया वाटर को मेरे पैरों पर एंड ऑल्सो ओवर हिज ओन और अपने पैरों पर भी पानी डाला था यानी पैरों को धो करके पवित्र कर दिया गंदे पैरों से पवित्र अग्नि पर नहीं चढ़ना चाहिए इस प्रकार से उसने पैरों को एक बार पवित्र किया है क्योंकि पवित्र अग्नि पर चढ़ने वाले हैं अग्नि को हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में एक देव तत्व के रूप में माना गया है पृथ्वी जो पूरा की पूरा ब्रह्मांड है इसकी जो रचना है ये पांच तत्वों से मिलकर के होना बताया गया हमारे धर्म ग्रंथों में जिनमें अग्नि जल वायु आकाश और पृथ्वी इस तरह से पांच तत्व हैं तो यह अग्नि को एक पवित्र तत्व माना, माना गया है देव तत्व माना गया है अग्नि पर जब भी चलना हो यानी अग्नि के पास में हम कोई भी गंदगी लेकर के नहीं जाते पवित्र पैरों से इस प्रकार से पैरों को धोया गया वहां ही मी वेरी सॉफ्टली तब उसने मुझे बिल्कुल बहुत ही नाजुक तरीके से कहा मुझसे मुझसे बोला वो एंड टोल्ड मी टू क्लोज माई आईज उसने मुझे मेरी आंखें बंद करने के लिए कहा था एंड थिंक हार्ड ऑफ ग्रीन फील्ड्स हरे हरे खेतों की कठोरता को सोचने के लिए कहा थिंक हार्ड यानी जो हरे हरे खेत हैं उनके बारे में खूब सोचने के लिए कहा था कि हरे हरे खेतों के बारे में सोचूं और अपनी आंख बंद कर लूं एंड द पीसफुल इंग्लिश कंट्री साइड और शांतिपूर्ण अंग्रेजों के जो गांव हैं उनके बारे में सोचने के लिए मुझसे कहा आई वॉज टू इमेजिन मुझे कल्पना करनी थी दैट आई वॉज वॉकिंग अलोंग ए कंट्री लेन कि मैं किसी गांव की गली में चल रहा हूं कंट्री का मतलब यहाँ गांव से लिया गया है से लिया गया है अवे फ्रॉम अर्बन साइड शहरी क्षेत्र से दूर होने के अर्थ में कंट्री वर्ड आया है मुझे क्या कल्पना करनी थी कि मैं कंट्री लेन में चल रहा हूँ गांव की कोई गली में चल रहा हूँ मुझे कल्पना करनी थी एंड हरे हरे ऑल खेतों एकाग्र करना था आंखें बंद करके एकाग्र करना है ध्यान अपना हरे हरे खेतों पर तो ही मेरे सामने खड़ा हो गया विद इज बैक टू वर्ड्स मी मेरी तरफ अपनी पीठ करके खड़ा हो गया यानी वह आगे को देख रहा था मैं उसके पीछे खड़ा हुआ था यू था एंड टोल्ड मी टू प्लेस माई ए शोल्डर और उसने मुझसे कहा कि मैं अपने हाथों को उसके कंधों पर रख लू पीछे से ही रिपीटेड हिज इंस्ट्रक्शन टू मी वंस मोर उसने अपने निर्देशों को एक बार और मेरे लिए दोहराया एंड देन और तब विद आईज क्लोज एंड कॉन्सेंट्रेटिंग हार्ड ऑन ग्रीन फील्ड्स और मेरी बंद आंखें जिन मैं ध्यान केंद्रित कर रहा था मैं हरे हरे खेतों पर बहुत ज्यादा हार्ड का मतलब यहाँ बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा था मैं हरे हरे खेतों के बारे में सोच रहा था आई टू मी मूव स्लोली फॉरवर्ड मैंने महसूस किया उसे महसूस किया कि वो मुझे धीरे धीरे चलाना प्रारंभ कर रहा था बिगिन कर रहा था ऐसा मैंने महसूस किया कि वह मुझे धीमे धीमे चलाने लगा है आई वॉज बैक इन इंग्लैंड उसने मुझसे कहा कि बस अपने जो गांव है इंग्लैंड के अंग्रेजों के जो गांव है उनके बारे में सोचो तो मैं वापस इंग्लैंड में पहुंच गया था अपनी कल्पना में टू बी प्रिसाइस और बस संक्षिप्त में बात करूं तो आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रॉक फील्ड रोड मैं किसी रोड का नाम है वहां इंग्लैंड में रॉक फील्ड रोड वहां पर चल रहा था मैं जस्ट आउटसाइड मॉर्न माउथ नियर हेनरी पार्क मोन माउथ ये कोई स्थान का नाम है हेनरी पार्क के पास हेनरी पार्क तो हेनरी पार्क के पास मोन माउथ के बाहर रॉकफील्ड रोड पर चल रहा था मैं आई वॉज सॉरी इट वॉज ए स्ट्रेच ऑफ रोड ये एक रोड का फैलाव है यानी चौड़ा सा रोड है चौड़ी सी सड़क है विच आई हैड वॉकड अलोंग मैनी टाइम्स जिस पर मैं कई बार चला था रॉक फील्ड स्थान पर रह रहा था इन द अर्ली पार्ट ऑफ द वॉर युद्ध के प्रारंभिक हिस्से में यानी युद्ध के प्रारंभ के समय पर मैं वहां पर रह रहा था ऑन आइर साइड ऑफ मी और मेरे दोनों तरफ इधर उधर वर ग्रीन फील्ड हरे हरे खेत थे यानी मैं कल्पना कर रहा था कि मैं रॉक फील्ड रोड पर चल रहा हूँ सड़क पर चल रहा हूँ मेरे इधर उधर हरे हरे खेत हैं एंड द सीन वॉज इनफिनिटली पीसफुल और इस दृश्य में अनंत शांति थी इट वॉज अ लवली शमर डे यह बहुत ही प्यारा सा गर्मियों का दिन था एंड आई कुड फील दॉम्थ ऑफ द सन रेज मैं सूरज की किरणों की जो रेज किरणें हैं उनकी वॉम्थ या गर्मी को महसूस कर सका था पेनेट्रेटिंग माई क्लोदिंग सूरज की गर्मी जो कि मेरे कपड़ों पर पड़ रही थी उसको मैं महसूस कर रहा था माय माइंड वाज वंडरफुली एंड कंप्लीटली एट रेस्ट मेरा मस्तिष्क वंडरफुली यानी बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से कंप्लीटली पूरी तरह से एट रेस्ट वो आराम की स्थिति में आ गया था एंड नेवर बिफोर और उससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था तब से लेकर के अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था

मानो कि सूरज बादलों के पीछे छुपकर गायब हो गया हो आई ओपन माई आईज मैंने अपनी आँखें खोली एंड आई वॉज बैक और मैं वापस था एज बिफोर पहले जैसा स्टैंडिंग बिहाइंद फायर वॉकर मैं उस आग पर चलने वाले के पीछे खड़ा हुआ था विद माई हैंड्स मेरे हाथ जो थे स्टिल रेस्टिंग अपॉन इज शोल्डर अभी भी उसके कंधों पर रखे हुए थे मेरे हाथ आ, फायर वॉकर के कंधों पर अभी मेरे हाथ रखे हुए थे और मैं उसके पीछे खड़ा हुआ था ही टर्न राउंड वह मोड़ा एंड फेस्ड मी और मेरी तरफ देखा उसने अभी तो मैं इसके पीछे था लेकिन वह घूमा और उसने मेरी तरफ देखा इट वॉज देन ये तब की बात है दैट आई रियलाइज कि मैंने महसूस किया दैट आई वॉज नाउ स्टैंडिंग विद माई बैक टू द फायर ट्रेंच कि अब मेरी पीठ फायर ट्रेंच की तरफ थी आग की खाई की तरफ थी यानी पिछली बार जब मैं खड़ा हुआ तो इधर की किनारे में खड़े हुए थे हमारे सामने जो थे वो फायर वॉकर थे और उनके सामने फायर ट्रेंच यानी आग भरी हुई खाई थी एक मैंने देखा कि आग भरी हुई खाई मेरे पीछे थी इसका मतलब मैं उस आग भरी हुई खाई पर चलकर आग पर चलकर उसको पार करके बाहर निकले आया हूं वी हैड वॉकड द लेंथ ऑफ इट हम इसकी पूरी लंबाई जो थी उसको चल करके पार कर लिया था हमने एंड बैक अगेन टू आर स्टार्टिंग पॉइंट और हम वापस अपने शुरुआत वाले बिंदु पर आ गए थे यानी जब मेरी आंखें बंद थी तो हम दोनों आग पर चलकर गए वापस लौट करके भी आ गए आग पर चल करके अब मेरे पीछे आग थी कहने का मतलब है हमने अपना काम जाने का और आने का दस और दस बीस फीट की जो दूरी है वो धीरे धीरे हमने आग के ऊपर चलकर तय की थी आई नेवर सो दायर वॉकर अगेन मैंने फिर से उस आग पर चलने वाले कभी नहीं देखा आई वॉज कम्प्लीटली बी वाइल्ड में पूरी तरह पागल सा हो गया था बहुत ही उग्र हो गया था बाई वॉट एड एप क्या हुआ इस बारे में सोच करके एंड इन द एक्साइटमेंट और उस तेजना में दैट फॉलोड वेन एवरी वन केम क्राउडिंग अराउंड मी उत्तेजना कब हुई जब हर कोई मेरे पास में खड़ा हो गया आकर के भीड़ की तरह खड़े हो गए थे आई लॉ साइट ऑफ हिम मैंने उसका दृष्टि दृश्य द्रस्ट खो दिया यानी मुझे पता ही नहीं चला वो कब कब निकल के चला गया वो आदमी तो लेखक के आसपास बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और उसको जब बताते हैं ना कि बेटा तू इस आग पर चल करके गया था और चल करके आया इस आग पर तब एक आश्चर्य महसूस था और उसी भीड़ भाड़ के चक्कर में वो आदमी वहां से गायब हो जाता है जिसने मुझे आग पर चलाया था वही आदमी जिसकी मैंने एक बार मदद की थी जब उसकी पिटाई हो रही थी और अपना रूमाल उसके में बांधा था लेटर बाद में वेन जस्ट अबाउट एवरी वन ऑन द कैंप जब कैंप में उपस्थित हर कोई व्यक्ति हैड इंस्पेक्टेड माइ फीट मेरे पैरों को देखा उसने हर व्यक्ति ने Which were completely unmarked. जो पूरी तरह सुरक्षित थे अनमार्क्ड थे कोई भी निशान उनके ऊपर नहीं पड़ा था एंड आई वॉज अगेन अलाउड टू पुट माई बूट और फिर से मुझे अपने जूते पहनने की मंजूरी मिली थी आई वेंट लुकिंग फॉर हिम मैं उसे ढूंढने के लिए गया उस व्यक्ति को बट ही हैड लेकिन वो व्यक्ति गायब हो गया था आई टेकल्ड द प्रोफेसर अबाउट हिम मैंने उसके बारे में प्रोफेसर को टैकल किया प्रोफेसर से बातचीत की बट ही कुड नॉट और वुड नॉट हेल मी एनी थिंग लेकिन प्रोफेसर ने प्रोफेसर ना तो मुझे कुछ बता सका और ना ही उसने बताया द फॉलोइंग डे और अगले दिन सुन एज इट वॉज लाइट जैसे ही उजाला हुआ आई बोरोड अ ट्रक मैंने एक ट्रक को धार मांगा एंड वेंट यानी मैंने एक ट्रक वहां से लिया एंड वेंट अक्रॉस टू फिरोजगुड़ा मैं फिरोजपुर तक पहुंच गया था टू सी इफ आई कुड फाइंड हिम ये देखने के लिए कि क्या मैं उसे ढूंढ सकता हूं बट इट वाज अ होपलेस टास्क लेकिन यह एक आशाहीन कार्य था एंड अ फ्यू आवर्स लेटर कुछ घंटे बाद आई वाज ऑन माय वे टू न्यू दिल्ली मैं वापस नई दिल्ली के लिए चल दिया था तो एडी स्मिथ ने बहुत ही रोचक और अपनी जो सत्य कथा को बताया है कि भारतवर्ष में भारत देश में बड़े बड़े अनोखे कर्तव्य करने वाले लोग रहे हैं अभी भी अपने यहाँ जैसे जसनाथी संप्रदाय वगैरह के लोग हैं तो वो अग्नि नृत्य करते हैं अग्नि पर चलते हैं अभी आज की डेट में मैं बाड़मेर जिले में रहता हूँ और यहाँ पर काफी ऐसे कार्यक्रम होते हैं जब वो जो सिद्ध लोग हैं जस्नाथी वो आग पर चलते हैं आग पर नृत्य करते हैं आग के अंगारों को मुंह में डाल लेते हैं ऐसे ऐसे कर्तव्य यहाँ पर दिखाते हैं तो भाई बहुत ही दुर्लभ बात है और हमारे भारतवर्ष की विशेषता है हमें भारत पर गर्व है ऐसी नहीं इससे भी ज्यादा विलक्षण चीजें हमारे भारतवर्ष में गठित तो होती रहती हैं लोगों के अंदर विशेष गुण हैं इन प्रतिभाओं को रखने के काफी प्रतिभाएं हैं अपने यहाँ पर तो हमें भारतीय होने पर गर्व है साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताइएगा कोई प्रॉब्लम आए तो भी आप यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पर भी कंसल्ट कर सकते हैं मुझसे माय नंबर इज नाइन सिक्स नाइन फोर फाइव नाइन फोर नाइन सिक्स एट तो मिलते रहिए अभी हम लेसन नंबर टेन में मिलेंगे ओके okay, गैज़ एक बात और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें क्योंकि आपकी जो सब्सक्रिप्शन की रिपोर्ट आती रहती है लगभग आधे जो स्टूडेंट्स हैं वो सब्सक्राइब किए हुए हैं आधे स्टूडेंट जो मेरा चैनल देखते हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने पहले से रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब किया हुआ है वो दोबारा से करने की कोशिश नहीं करें नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा तो साथ ही इसी के साथ आपसे आज के वीडियो में विदा लेता हूं मैं सी यू चाओ